वैसे तो जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन इसमें एक शाखा ऐसी है जो मुझे जीव विज्ञान की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित करती है, शायद आपको भी करती होगी। और ये शाखा है जिसमें हम जीवों के विकास के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ, आज हम जिस अध्याय की बात करने वाले हैं वो है विकास, इवोल्यूशन। अगर देखा जाए तो विकास हम केवल जीवों का ही नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी का, वनस्पतियों का और बहुत सी चीज़ों के बारे में इस अध्याय में हम बात करते हैं। विकास है क्या, अगर हम ये जानना चाहें तो ये एक कहानी है, एक कहानी जीवन के उत्पत्ति की और पृथ्वी नामक उस ग्रह की जिस पर जीवन या जीवन जीवन जीने वाले जीवों का जो है विकास हुआ है। आइए इस अध्याय को हम इस तरह पढ़ते हैं। इस अध्याय में हम जब पृथ्वी की बात करते हैं या विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि जीवन पृथ्वी पर आया कैसे, या हम यूं कहें कि पहले हम उस उत्पत्ति के बारे में जानें कि पृथ्वी जो है वो कब अस्तित्व में आई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है आकाशगंगा जो है ऐसी बहुत सारी जिन्हें हम गैलेक्सीज कहते हैं, आप जानते होंगे कि पृथ्वी जो है ये एक ग्रह है, और भी कई ग्रह हैं उस आकाशगंगा में, 8 ग्रह हैं जो सूरज की चारों ओर परिक्रमा देते हैं, हमारी पृथ्वी भी उनमें से एक है। जब हम ये आकाशगंगा की बात कर रहे हैं तो हम इसी तरह की बहुत सारी आकाशगंगाएं जो हैं इस ब्रह्मांड में पाते हैं। कहने का मतलब कि एक छोटी सी कणिका के रूप में हमारी पृथ्वी है। आप सोच सकते हैं कि हम जब पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी है, लेकिन जब हम एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो वो एक मात्र कणिका के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी जो है वो जब अस्तित्व में आई तो उस पर जीवन कैसे आया। इसके संदर्भ में हमें बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इस अध्याय में देखनी होंगी कि कैसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर चर्चा की और विकास के बारे में बात की। विकास को अगर देखा जाए तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ ये देखिए, ये क्या है? जी हाँ, आप कहेंगे कि ये एक छोटी सी छिपकली नुमा प्राणी है। अरे ये तो बड़ी हो गई अब, अरे वाह ये चिंपांजी आ गया, दिख रहा है आपको? जी हाँ, अब ये आ गया मनुष्य। कहने का मतलब इसी तरह जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो आप सोचेंगे कि क्या ये इतनी जल्दी हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक धीमी प्रक्रिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि विकास क्या है तो आप क्या कहेंगे? कि विकास एक धीमी परंतु निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर, हालांकि हमने ये देखा कि ये तुरंत तुरंत होने वाली प्रक्रिया है, पर ये वास्तविकता में ऐसा नहीं है। इसमें ये होता है कि एक धीमे धीमे वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया जो है उसके फलस्वरूप मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अब आपसे कोई पूछे कि विकास जो है ये कब शुरू हुआ, तो आप कहेंगे कि ये विकास जो है वर्षों पहले शुरू हुआ है। और ये कब तक चलेगा, तो इसके जवाब भी हम कह सकते हैं कि जब तक के इस पृथ्वी पर जीवन है तब तक के ये विकास जो है ये सतत चलता रहेगा। तो बच्चों, इस अध्याय को अगर हम पुस्तक में देखें तो हमें ये थोड़ा लंबा और कठिन सा लगेगा, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे कि कैसे इस अध्याय को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए अब हम इस अध्याय में सबसे पहले देखें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जब बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो थ्योरी है जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, हिंदी में कहें तो महाविस्फोट सिद्धांत जो है उसे हमें जानना होगा। हमें पता है कि ब्रह्मांड जो है वो उसका विस्तार जो है इस थ्योरी के अनुसार हुआ है, और उसमें जब तापमान में कमी आई
तो वहां पर हमने देखा कि हमने जाना कि पृथ्वी के हाइड्रोजन और हीलियम ये जो दो गैसें हैं ये बनी। अब आपको पता है कि यहाँ पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से ये जो दो गैसें थी ये संघनीभूत या कंडेंस्ड हुई। पृथ्वी पर पहले प्रारंभिक अवस्था में वायुमंडल नहीं था, फिर पराबैंगनी किरणों की वजह से वहाँ पर जो जल या पानी था उसमें क्या हुआ, उसने उस पानी को विखंडित कर दिया। हम जानते हैं कि H2O जो वाटर है, पानी है, वो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित हो गया। हाइड्रोजन जो है वो हल्की गैस है, ये मुक्त हो गई, बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने फिर अमोनिया और मीथेन के साथ मिलकर वहाँ पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बनाई। पृथ्वी के चारों ओर एक ओजोन परत का निर्माण हुआ, और हम देखें तो हम पाएंगे कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसके 50 करोड़ वर्ष बाद ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। ये जो गैसें थी ये कुछ समय बाद बरसात के रूप में या जल बाष्प जो था वो बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरा। जो गहरी जगह थी वो भर गई पानी से, और इस तरह पृथ्वी पर नदियों का, सागर का, महासागर का निर्माण हुआ। और जब जो जीवन आया पृथ्वी पे, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो जीवन आया वो सबसे पहले पानी में या जल में आया। तो यहाँ पर पृथ्वी का जो हमने कहा उत्पत्ति हुई उसके लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल की अगर हम बात कर रहे हैं जीवन की उत्पत्ति हुई, तो क्या वो जीवन कैसे पृथ्वी पर आया, क्या किसी अन्य ग्रह से आया? तो इसके लिए भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर कार्य किया और बहुत सारे सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। आइए इनमें से कुछ सिद्धांत की हम यहाँ पर बात करते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए कुछ खगोल वैज्ञानिक ने पैनस्पर्मिया, जिसे सर्व बीजाणु हम कह सकते हैं, उसे अभी भी वे अपना मनपसंद सिद्धांत मानते हैं। इसी में काफ़ी समय तक जीवन जो है वो कुछ क्षयमान वस्तुओं से, जैसे सड़ी गली हुई चीज़ें, भूसा या कीचड़, इससे प्रकट हुआ, इसे भी कुछ वैज्ञानिकों ने माना था। हालांकि इसमें जो एक सिद्धांत आया जिसे हम कह सकते हैं, जिसका नाम है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये सिद्धांत लुईस पाश्चर द्वारा प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जीवन जो है वो पहले से विद्यमान जीवन से ही आया हुआ है। इसमें एक और वैज्ञानिक हैं जिनका नाम हम ले सकते हैं, जिन्होंने कहा था कि जीवन जो है वो कैसे आया, इस पर एक प्रयोग किया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें लुईस पाश्चर ने एक फ्लास्क लिया है, ये देख रहे हैं आप फ्लास्क। इस फ्लास्क में उन्होंने पहले उसे जीवाणु रहित करा और उसमें कुछ मृत यीस्ट डाले, यीस्ट एक फंगस, उसे डाला, और उन्होंने कुछ समय बाद देखा कि इससे जीवन जो है या नए जीव पैदा नहीं हुए। बाद में इसी प्रयोग को उन्होंने दूसरी तरह किया, और इस बार उन्होंने इस फ्लास्क को खुला रखा, वही प्रक्रिया दोहराई, वैसे ही यीस्ट डाला, वही फ्लास्क लिया, बट इसे कवर करने के बजाय उन्होंने उसे खुला रखा। तो उन्होंने उसमें पाया कि जो है मृत यीस्ट से यहाँ पर नए जीव पैदा हुए। कहने का मतलब कि जब वो कवर्ड था फ्लास्क तो वहाँ पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन वही फ्लास्क जब खुला था तो उसमें जीवन की उत्पत्ति हुई। तो ये भी एक अच्छा सिद्धांत था जिसे काफ़ी समय तक लोगों ने माना, पर बाद में कुछ और वैज्ञानिक आए, जिसमें हम एक और ये देख सकते हैं, ये हाल्डेन और ओपेरिन। इन वैज्ञानिकों का मानना था कि हो सकता है जीवन जो है वो कार्बनिक अणु जैसे RNA, प्रोटीन, इनकी वजह से इस पृथ्वी पर विराजमित, इस पृथ्वी पर आया हो। इसी के चलते हम कुछ और प्रयोग देख सकते हैं जिसमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है, जिसमें ये जो प्रयोग है इसे शायद आप जानते भी होंगे,
आरएच मिलर द्वारा दिया गया ये प्रयोग है। इसका इस पिक्चर को या इस डायग्राम को देखकर आप इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने अभी कहा कि एस एल मिलर इन्होंने 1953 में जो अपनी एक थ्योरी दी थी उस पर उन्होंने एक प्रयोग खुद कर कर देखा। ये प्रयोग कैसा था, आइए इस डायग्राम को देखकर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं एक फ्लास्क है जिसे हमने जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स दिखाए हैं। इस फ्लास्क के अंदर उन्होंने मीथेन, वाटर जिसे हम H2O के रूप में दर्शा रहे हैं, जल, NH3, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसी गैसों को लिया था। फिर उन्होंने इन इलेक्ट्रोड्स के जरिए इस पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या जिसे हम कहें ताप विद्युत 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक उन्होंने उसका तापमान देकर वहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया कराई। ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वहाँ पर उन्होंने पाया कि वहाँ पर कुछ जटिल अणु जैसे अमीनो एसिड्स का निर्माण होता है। तब इसी तरह के प्रयोग अन्य वैज्ञानिकों ने भी किए और पाया कि किस तरह उस समय जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो रही थी तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो है इन्होंने वहाँ पर उस जीवन की उत्पत्ति के लिए कैसे कार्य किया होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे अमीनो एसिड्स बना वैसे ही कुछ शर्कराएं, जैसे हम कहें अगर जटिल अणु की बात कहें तो वहाँ पर हम देखेंगे कि पॉलीसेक्राइड्स या कुछ RNA, प्रोटीन इस तरह का निर्माण हुआ। कहने का मतलब कि इन चीज़ों से फिर अणुओं का निर्माण हुआ और उससे जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा इनका मानना था। ये भी माना गया कि पहले जो जीव आए वो बहुत सरल होंगे या केवल एक कोशिकाएं के बने होंगे जिन्हें हम आज एक कोशिकीय जीव कहते हैं। धीरे धीरे उत्पत्ति के साथ साथ विकास हुआ और विकास के साथ ये जो एक कोशिकीय जीव थे ये बहु कोशिकीय जीव में तब्दील हुए होंगे। अब यहाँ पर जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में या पहले पहले इस विषय पर बात की थी कि जीवन जो है जल में आया, तो जलीय प्राणी जो होंगे वो नेचुरली पानी में ही पाए गए। मछली है आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो ये जल से फिर थोड़ा सा इनका विकास हुआ तो ये थल या जमीन की ओर, तो ऐसी जगह जहाँ पर जल और थल दोनों मिलते हैं वहाँ पर कुछ जीव आए जिन्हें हम आज उभयचर के नाम से जानते हैं, तो ये विकास हो रहा है। फिर वो जीव जो हैं वो रेंगने लगे और वो जल से निकलकर जमीन पर आए, तो ऐसे जीव को हमने सरीसृप में रखा। तो यहाँ पर विकास जो है वो जलीय, फिर उभयचर और फिर सरीसृप। सरीसृप के बाद हम देखते हैं कि कुछ पक्षी हैं जो वायवीय है, हवा में दिखाई देते हैं, और उसके बाद आए स्तनधारी जैसे कि मनुष्य, चिंपांजी या अन्य स्तनधारी प्राणी भी आप देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा विकास के बाद हम ये प्रक्रिया जो है या ये चरण जो हैं जिन्हें हम देख रहे हैं, जलीय, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, जिसे आज हम जान रहे हैं। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो हमें एक सिंपल सी डेफिनेशन हमारे सामने आती है कि विकास एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये बहुत धीमी प्रक्रिया है जो बहुत धीमे गति से हो रही है और ये निरंतर चलने वाली है। इसका मतलब ये कि जब तक के पृथ्वी पर जीवन है ये प्रक्रिया इसी तरह चलती रहेगी। आइए हम आगे इस पार्ट में और भी बात करते हैं कि कैसे हम विभिन्न प्राणियों के संदर्भ में जहाँ पर हम ये जो विकास की बात कर रहे हैं उसे कैसे हम इस पाठ से या इस अध्याय से जोड़ सकते हैं। चलिए कुछ चित्र देखते हैं। डायनासोर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पर डायनासोरों का वंश वृक्ष दिखाया गया है। इसमें उनसे मिलते जुलते जो आज के जीव हैं उन्हें भी हमने उनके मिलते जुलते स्वरूप को यहाँ दिखाया है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्वरूप है ये कालों में प्रकट हुए और इसके जो कुछ एविडेंसेस है वो हम कैसे लेते हैं या जो प्रमाण हैं, तथ्य हैं,
वो हमें पैलेंटोलॉजिकल या जिसे हम कहते हैं पुराजीवी तथ्य, वो हमें जीवाश्मों की मदद से स्टडी करने को मिले। और आपको पता होगा कि जीवाश्मों जिसे हम फॉसिल्स कहते हैं, उनकी स्टडी के लिए हम उनकी आयु की गणना जो है वो रेडियो एक्टिव डेटिंग से करते हैं। और हम देखते हैं कि फिर ये किस काल में उस समय उपस्थित थे या पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, और उनसे मिलते जुलते आज के जीव जो हैं उनके स्वरूप की हम तुलना करते हैं, तो ये हमें अध्ययन करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इसी में एक और वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने भी विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन किया था, मतलब विकास जो है वो भ्रूण के स्तर पे जो विकास की बात उन्होंने की थी उसका उन्होंने समर्थन किया था। पर उनके समर्थन को भी कुछ समय बाद खारिज कर दिया गया। जब गहन अध्ययन किया गया तो उनका ये समर्थन सही नहीं पाया गया और इसको उन्होंने फिर सिरे से इसे खारिज किया गया था। इसके बाद कुछ तुलनात्मक अध्ययन की बात आई तो उस समय फिर समजात और समवृत्ति लक्षणों की बात आई। आइए इन लक्षणों को हम समझने का प्रयास करते हैं। जब हम तुलनात्मक अध्ययन की बात करते हैं तो हमें शारीरिकी और आकार की इनकी एकरूपता और विभिन्नता में जो दिखाई देते हैं कुछ, वो तथ्य आज के जीवों में भी विद्यमान हैं। जैसे वर्ष पूर्व विद्यमान जीवों के बीच में और आज के जीवों में हम तुलना करें तो हम पाएंगे कि यहाँ वेल, चमगादड़, चीता और मानव, इनके अग्रपाद की अस्थियों को हमने दर्शाया है। आप इनके अग्रपाद की जो अस्थियाँ हैं उनमें यहाँ समानता देखेंगे, लेकिन जब उनके क्रियाकलाप या उनके फंक्शंस की हम बात करते हैं तो वो एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। पहले हम अग्रपाद में उपस्थित अस्थियों को देख लें, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। ये पूरे हाथों की अस्थियों के नाम हैं जो शोल्डर से लेकर इन उंगलियों तक सभी में उपस्थित हैं। ये अस्थियाँ हमें चमगादड़ में भी दिखाई दे रही हैं, चीता के भी अग्रपाद में दिखाई दे रही हैं और वेल के भी। लेकिन जब हम कार्य देखें तो मनुष्य जो है अपने हाथ का इस्तेमाल काम करने के लिए करता है, वेल जो अग्रपाद है वो अपने तैरने के लिए अपने फिन्स के रूप में यूज़ करेगी उसे, चीता के अग्रपाद जब वो दौड़ेगा तो सामने के ओर के जो पाँव हैं उस रूप में वो करेगा, और चमगादड़ के अग्रपाद में कुछ पंखों से जुड़े हुए उसके अस्थियां हैं जो उसे उड़ने में मदद करती हैं। कहने का मतलब यहाँ शारीरिक संरचनाएं तो समान हैं, उनमें एकरूपता भी दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम कार्य देखते हैं तो उनमें हमें विभिन्नताएं नज़र आती हैं। और इसी को हम और भी उदाहरणों में देख सकते हैं, जैसे कशेरुकों के हृदय और मस्तिष्क में ये समानताएँ हमें दिखाई देंगी। ये जो विकास है ये अपसारी विकास कहलाता है, और ये जो संरचनाएं हैं ये समजातीय संरचनाएं होती हैं, और इसी प्रक्रिया को हम समजातता कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में इसे हम होमोलॉगस ऑर्गन्स और होमोलॉगस प्रक्रिया या प्रोसेस कहते हैं। कुछ पौधों के उदाहरण हम देखते हैं तो जैसे आपने देखा होगा बोगनविला और कुकुरबिटासी फैमिली, जिसमें करेला या स्वीट गोर्ड, बिटर गोर्ड सब आते हैं, तो वो इन दो जो प्लांट्स हैं या पौधे हैं, बेल हैं, इनमें हम देखेंगे कि समजातता हमें उनके कांटों और प्रतानों में दिखाई देती है। जहाँ पर कांटों का कार्य उसका प्रोटेक्शन करना है, उसका संरक्षण करना है, और प्रतान जिसका कार्य जो है उस बेल को ऊपर चढ़ने में, उसका वजन उठाने में मदद करना होता है। तो कहने का मतलब कि ये हालांकि इनकी उत्पत्ति समान है पर इनके कार्य जो है वो भिन्न हैं, इसलिए ये भी समजातता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। तुल्य रूपता या एनालॉगी जो है वो समरूपता के एकदम, समजातता के एकदम विपरीत होती है। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पक्षी और तितलियों के पंख जो दिखाई दिए हैं वो लगभग एक समान दिखते हैं, परंतु
इनकी जो पूर्वज परंपरा है वो सामान्य नहीं है और ना ही इनकी रचना जो है इनमें समानता हमें दिखाई देती है। भले ही वे समान क्रिया को संपन्न करते हों पर इनमें जो है हमें तुल्य रूपता दिखाई देती है जो एक दूसरे से इन्हें विपरीत करती है। अब इसमें और भी उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे ये देखिए ऑक्टोपस और स्तनधारियों की आंखों के बीच में भी तुल्य रूपता दिखाई दे रही है। पेंगुइन और डॉल्फिन्स के परों जिसे हम फ्लिपर्स कहते हैं उनमें भी हमें तुल्य रूपता दिखाई देती है। पौधों की अगर बात करें तो उसमें हम शकरकंदी जड़मूल जो रूपांतरण है वो और आलू जो तना है तने का रूपांतरण है उसका उदाहरण हम तुल्य रूपता में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये जो दो तुल्य रूपता और समझाता देखा। अब इसके आगे अगर हम कुछ और बात करें तो हम जानते हैं कि मनुष्य ने कुछ जीवों को या कहें कुछ प्राणियों को धीरे धीरे पालना चालू किया और कुछ पौधे जो है उन पे प्रयोग किए और उनकी कुछ अच्छी प्रजातियां भी उत्पन्न की। ये जो बदलाव होते हैं प्रकृति में इनकी जो संरचनाएं हैं या इनके जो कहना चाहिए कुछ पर्यावरणीय आधार हैं या कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम जो है विकास जो है उस पर इनका प्रभाव क्या है इस बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। आइए इस पर कुछ हम प्रकाश डालते हैं। प्राकृतिक वर्ण के संबंध में एक और उदाहरण हम देखते हैं जो है शल्भों का। इसके समर्थन में ये अवलोकन इंग्लैंड में किया गया था जो मौत पर या जिसे हम शलभ कह रहे हैं उन पर किया गया था। 1850 से पहले इंग्लैंड में श्वेत पंखी शलभ जो है वो गहरे वर्णों के शल्भों की अपेक्षा संख्या में अधिक थे। अब 1920 में औद्योगिकरण जब हुआ उसके पश्चात नए संग्रह जब किए गए तो वो यह संकेत देते हैं कि यह आंकड़ा ठीक उल्टा हो गया था। कहने का मतलब गहरे रंगों के शलभ जो है वे संख्या में अधिक हो गए। इसका स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार दिया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तनों में दोनों चित्रों में रंगों में जो आपको फर्क दिख रहा है उस पर आधारित ये स्पष्टीकरण था। औद्योगिकरण के बाद जो कालिक धूल धुआं निकलता है उससे पेड़ के तने जो हैं वे क्या हो गए, काले हो गए। इस कारण जो शलभ को खाने वाले प्राणी थे उनकी नज़रों से ये जो काले शलभ थे वे बच गए और श्वेत शलभ जो थे वे उनकी पकड़ में आ गए। औद्योगिकरण से पहले तने पर कुछ श्वेत लाइकेंस उगा करते थे और इन श्वेत लाइकेंस की वजह जो श्वेत शलभ थे वो इनमें छुप जाया करते थे। जो काले शलभ थे वो तुरंत दिखाई देते थे क्योंकि बैकग्राउंड जो था वो वाइट था तो उस पे काले रंग के शलभ तुरंत दिखाई देते थे और वो शिकारी का शिकार हो जाया करते थे। इसका मतलब यह कि जो अनुकूलित हो गया वो बच गया। इसीलिए अनुकूलन को विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण चरण माना गया है। और यहाँ पर हमें एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी प्रजाति का पूर्ण विनाश हो जाता है। जो अनुकूलित है वही प्रजातियाँ आगे की नई पीढ़ी में हमें अनुकूलन वाली नई प्रजातियाँ जो हैं अनुकूलित हो चुकी हुई नई प्रजातियाँ जो हैं वो हमें दिखाई देती हैं। प्राकृतिक चयन का एक और उदाहरण हम देखते हैं जो शाकनाशकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से जिसके फलस्वरूप हमको बहुत कम समय में कुछ प्रतिरोधक किस्मों का चयन हुआ। इसके अलावा यही बात जो सूक्ष्म जीवों के प्रति हम प्रतिजैविक या जिन्हें हम कहें एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं उसके लिए भी सही साबित होती है। हम ये एंटीबायोटिक्स या अन्य दवाइयाँ जो इस्तेमाल करते हैं ये प्रतिरोधक कोशिकाएं या हम कहें प्रतिरोधक जीव जो हैं इनका हमको विकास होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा हम इन सब उदाहरणों को देखने के बाद
ये कह सकते हैं कि विकास एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया ना होकर विकास जो है यह एक प्राकृतिक संयोग कहें, या हम ये कहें कि अवसर पड़ने पर होने वाली घटना हो सकती है, या फिर ये उत्परिवर्तन पर आधारित एक घटना है। डार्विन की यात्रा के बारे में तो आपने शायद सुना ही होगा। उन्होंने अपनी बहुत ही खोजी वाली जो यात्रा थी वो एक बीगल नाम के जहाज पे शुरू की थी। इस यात्रा के दौरान वो गैलापागोस नाम के द्वीपों पर गए, जहाँ पर उन्होंने प्राणियों में, जीव जंतुओं में और बहुत सारी विविधताएं देखी। हालांकि वो इस बात से भी परिचित थे कि ये विविधताएं जो हैं उस द्वीप पर पाई जाएंगी, जिसका उन्होंने पहले से ही आभास था। प्राणियों में जो विविधताएं देखी उसमें उन्होंने जो सबसे ज़्यादा विशेष रुचिकर जो उनको लगा वो था एक छोटा सा काली चिड़िया या पक्षी जिसका नाम फिंच, जिसे हम आज डार्विन फिंच के नाम से जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो फिंच थी, इसने उन्हें बहुत आश्चर्यचकित किया। ये कीट भक्षी विशेषताओं के साथ ये अन्य स्वरूपों में इसके बदलाव आया और जो इसकी चोंच थी वो अनुकूलित हुई। कहने का मतलब जो कीट भक्षी और शाकाहारी दोनों तरह के भोजन लेने के लिए सक्षम पाई गई। एक इसी तरह की जो हम कह सकते हैं कि एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में जब विभिन्न प्रजातियों के विकास के प्रक्रम का एक बिंदु से जब वो शुरू होता है और अन्य होकर जब वो अन्य भूभौगोलिक क्षेत्र में प्रसारित होता है तो उसे हम अनुकूली विकिरण कह सकते हैं। इंग्लिश में इसे एडाप्टिव रेडिएशंस कहते हैं। एक से अधिक जब अनुकूली विकिरण जो है या जब एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं तो इस तरह का विकास जो होगा उसे हम अभिसारी विकास कहते हैं। अभिसारी विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अपरास्तनी जंतुओं में। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। विकास के डार्विन के सिद्धांत जो हैं वो मूल रूप से प्राकृतिक चुनाव पर आधारित हैं। यहाँ पर हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम उन रोगाणुओं की बात करते हैं जो दो माध्यम ए और बी जो हमने दिखाए हैं उन पर हम इसकी बात कर रहे हैं। ए जो है एक विशिष्ट माध्यम है जिसके भोज्य पदार्थों को के एक घटक को वो जो जीवाणु हैं वो उपयोग करने में सक्षम है। यहाँ पर जो हम रोगाणु ए में बात कर रहे हैं इसमें हम देखते हैं कि रोगाणुओं में जो गुणन की क्षमता है या बहुगुणन की जो उनकी प्रकृति है उसमें क्या होगा कि वो तेजी से विभाजित होते जाएंगे और उनकी जो संख्या है वो बहुत कम समय में, कुछ ही घंटों में करोड़ों हो जाएगी। अब हम बी को देखते हैं जहाँ के माध्यम के संगठकों को हमने बदल दिया है। इससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो रोगाणु हैं उनकी जीव संख्या जो है वो ए की अपेक्षा कम होगी या उनकी संख्याओं में कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो नई प्रजातियाँ हैं वही दिखाई देंगी जो उन बदलावों को या उन परिस्थितियों को झेल सक रही हैं या उनमें वो जीवित रह पा रही हैं। कहने का मतलब यह परिवर्तन समय के साथ जो है अगली पीढ़ी में जाएगा और हम देखेंगे कि एक नई प्रजाति इनमें प्रकट होती है। ए की अपेक्षा बी जो है ये ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि ये प्रकृति की उपयुक्तता को चुनती है और हमको ये भी पता है कि प्रकृति जो है वो उपयुक्तता को चुनती है और ये उपयुक्तता हमेशा वंशानुगत होती है कि अगर इस पीढ़ी में वो अच्छा एक कैरेक्टर है तो वो जरूर अगली पीढ़ी में जाएगा। यहाँ पर हम इसी में कुछ और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आज हम देखते हैं मछली या मुर्गी या कुक्कुट पालन जो हो रहा है ये भी उसी को दर्शाते हैं। पर यहाँ एक बात हमें याद रखनी होगी कि इनमें जो जीवन अवधि होती है मछलियों में या मुर्गियों में वो थोड़ी लंबी होती है तो इसे ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पर हम अनुकूलन की अगर बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि अनुकूलन क्षमता जो है वो वंशानुगत होती है।
एक और फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ये देखिए लेमार्क, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था। इन्होंने क्या कहा था कि जो जीवन रूपी विकास है वो जो है वो अंगों के उपयोग और अनुपयोग पर आधारित है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, शायद आपने पढ़ा भी है कक्षा दसवीं में, जिसमें हमने जिराफ, ये देखिए आपको जिराफ जो है शायद आप सभी ने देखा होगा, और ये जो लंबी गर्दन है इसके पीछे उन्होंने ये जो अंगों का उपयोग और अनुपयोग वाला जो सिद्धांत है उस पर कहा था कि कुछ टहनियों की, जब भोजन जो है नीचे जमीन की घास खत्म हो गई या कम हो गई, तो वो भोजन के लिए अपनी जो ये गर्दन है इसे स्ट्रेच या खिंचाव के कारण ये धीरे धीरे पेड़ों की फुनगियों की पत्तियां खाने लगे और उनकी जो गर्दन वाला हिस्सा था वो धीरे धीरे लंबा होता गया। और यही जो एक कैरेक्टर है उसे उन्होंने अपने अगली पीढ़ी में स्थानांतरित किया, और इसीलिए आज जो जिराफ हम देख रहे हैं उनकी गर्दन लंबी है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि इस अंग का उपयोग हुआ ज़्यादा, क्योंकि गर्दन जो है वो अपनी खिंचाव लाते थे और ऊंची पत्तियां जो है उन्हें खाते थे, तो वो उस ऑर्गन के ज़्यादा यूज़ करने से या ज़्यादा उपयोग करने से वो जो एक अच्छा कैरेक्टर था वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हुआ। हालांकि आज जो है इस थ्योरी को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो है सही साबित नहीं हुई। हार्डी विनबर्ग सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है जनसंख्या अनुवांशिकी का एक सिद्धांत है जिसे हार्डी और विनबर्ग दोनों ने स्वतंत्र रूप से पेश किया। ये सिद्धांत के अनुसार एक आदर्श जनसंख्या में विभिन्न अलील, जिसे हम युग्म विकल्पी भी कहते हैं, और जीनोटाइप, इनकी आवृत्तियां जो होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपरिवर्तित रहती हैं। आइए इसे एक समीकरण से समझने की कोशिश करते हैं। जीन कोश यानी कुल जीव संख्या में जीने और उनके युग्म विकल्पी, जिन्हें हम जीन कोश कहते हैं, ये सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं। इसे अनुवांशिक संतुलन कहते हैं। हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत कहता है कि एक जीव संख्या में अलील, आवृत्तियां और उनके लोकस सुस्थिर होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। इसे हम इस तरह समझने का प्रयास करते हैं, सभी अलील आवृत्तियां एक होती हैं तथा व्यष्टिगत आवृत्तियों को हम पी, क्यू आदि कह सकते हैं तथा व्यष्टिगत आवृत्तियों को हम पी क्यू से दर्शाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द्विगुणित में पी तथा क्यू एलील कैपिटल ए तथा एलील स्मॉल ए की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी एक जीव संख्या में ए ए कैपिटल ए कैपिटल ए की आवृत्ति साधारणतः पी स्क्वायर होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से स्मॉल ए की आवृत्ति क्यू स्क्वायर होती है और कैपिटल ए स्मॉल ए की 2PQ होती है। अतः पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हुआ। यह पी प्लस क्यू होल स्क्वायर का की द्विपदी अभिव्यक्ति है। यहां पर एक बात और नोट करने योग्य है कि हार्डी विनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कुछ घटक भी हैं, जो कि इस प्रकार है। एक, जीन पलायन या जीन प्रवाह। दूसरा, आनुवांशिक विचलन। तीसरा, उत्परिवर्तन। चौथा, आनुवांशिक पुनर्योग तथा पांचवा, प्राकृतिक वरण। जब जीव संख्या का स्थान परिवर्तन होता है तो जीन आवृत्तियां भी बदल जाती हैं। यदि यह परिवर्तन संयोगवश होता है तो आनुवांशिक अपवाह, जिसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, वो कहलाता है।
सूक्ष्म जीवों में किए गए प्रयोग दर्शाते हैं कि जब पूर्व विद्यमान लाभकारी उत्परिवर्तनों का वर्णन होता है, तब परिणाम स्वरूप नए फीनोटाइपों का आविर्भाव या उत्पत्ति होती है। कुछ पीढ़ियों के बाद यही नव प्रजाति या स्पीशीज जो है इनकी उत्पत्ति हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि प्राकृतिक वर्ण वह प्रक्रम है जिससे अधिक जीवन सम वंशानुगत विविधता को जनन के अधिक अवसर मिलते हैं और संतानें अधिक संख्या में उत्पन्न होती हैं। आइए जीवन के विकास का संक्षिप्त विवरण हम समझते हैं। लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। विशाल बृहद अणु का गैर कोशिकीय पुंज झिल्ली युक्त आवरण के साथ कोशिका में कैसे विकसित हुआ, इसकी क्रियाविधि तो अज्ञात रही। इनमें से कुछ कोशिकाओं में ऑक्सीजन को मुक्त करने की क्षमता थी। यह अभिक्रिया संभवतः प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के समान ही रही होगी, जहां पर पानी संग्रहित होकर सौर ऊर्जा की सहायता से विघटित होता है। यह ऊर्जा प्रकाश संग्राही वर्णकों से प्रेरित होती है। धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव बहु कोशिकीय जीवों में परिवर्तित हुए। 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव बने एवं क्रियाशील हुए। जबड़े रहित मछली संभवतः 350 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुई। समुद्री खरपतवार एवं कुछ पादप संभवतः 320 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। हम पहले भी बता चुके हैं कि जो जीव पहले धरती पर प्रकट हुए थे वे पादप थे। जब धरती पर पशु अस्तित्व में आए तब ये पादप धरती पर खूब फैल चुके थे। मजबूत एवं सुदृढ़ पंखों वाली मछलियां धरती पर आ जा सकती थी। ऐसा लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व संभव हुआ था। क्या विकास एक प्रक्रिया है या उस प्रक्रिया का परिणाम है? आज जो दुनिया हम देख रहे हैं वह इस विकास की कहानी ही है। यह संभव है कि थॉमस माल्थस के कार्यों ने डार्विन को प्रभावित किया हो। प्राकृतिक चुनाव कुछ खास अवलोकनों पर आधारित है जो तथ्यात्मक है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक संसाधन सीमित है, यह हम सभी जानते हैं। मौसमी उतार चढ़ाव को छोड़कर जीव संख्या स्थिर रहती है। हालांकि एक जीव संख्या के सदस्य विशिष्टताओं में भिन्न होते हैं, पर ऊपरी तौर पर वे एक जैसे दिखते हैं। अधिकतर विविधताएं वंशागत होती हैं, जो कुछ एक के लिए संसाधनों की उपयोगिता बेहतर बनाती हैं। उन्हें इस योग्य बनाती हैं कि वे प्रजनन करें और अधिकाधिक संतति छोड़ जाएं। आइए अब हम विकास की क्रियाविधि को समझें। मेंडल ने ऐसे वंशानुक्रमी कारकों के बारे में बताया जो फीनोटाइप को प्रभावित करते हैं, परंतु डार्विन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ह्यूगो डी वेरीज ने प्राइम रोज पर काम करके म्यूटेशन, जिसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं, इस विचार को आगे बढ़ाया। उनके अनुसार ये बड़े उत्परिवर्तन ही विकास का कारण है, ना कि छोटी छोटी विविधताएं जो डार्विन ने कही थी, या हम कहें कि जिन पर डार्विन ने बल दिया था। उन्होंने इसे साल्टेशन यानी विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम बताया। आइए अब हम हार्डी विनबर्ग सिद्धांत को समझते हैं। सन 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई जो सीला कैंथी थी, जिसे विलुप्त मान लिया गया था। ऐसे प्राणियों को लोपोफिन कहा गया, जो कि पहले उभयचर प्राणी के रूप में विकसित हुए
और जो जल एवं थल दोनों पर ही रहे। हमारे पास आज इनका कोई भी नमूना नहीं बचा है। हालांकि ये आधुनिक युग के प्राणी मेंढक एवं सैलामेंडर जीवों के पूर्वज थे। यही उभयचर प्राणी सरीसृपों के रूप में विकसित हुए। ये मोटे कवच वाले अंडे देते हैं जो उभयचर अंडों की तरह धूप में सूख नहीं जाते। एक बार फिर आज हम इनके केवल उत्तराधिकारी कछुआ तथा मगर या घड़ियाल को ही देख सकते हैं। इसी तरह पौधों में हुआ। विशाल फर्न या टेरिडोफाइट्स जो पृथ्वी पर उपस्थित थे, किंतु वे धीरे धीरे मरकर कोयले के भंडार बन गए। इनमें से कुछ सरीसृप पुनः पानी में वापस चले गए और लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व संभव था मछली जैसे सरीसृप के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी पर रहने वाले सरीसृप निश्चित ही डायनासोर थे। इनमें से सबसे बड़ा अर्थात ट्राइनोसोरस रेक्स लगभग 20 फुट ऊंचा तथा विशाल डरावने कटार जैसे दांतों वाला था। लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए। हमें इसके सही कारणों का पता नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि वातावरण और जलवायु परिवर्तनों ने इन्हें मारा। कुछ लोग मानते हैं कि इनमें से ज्यादातर पक्षियों के रूप में विकसित हो गए। शायद इन्हीं दोनों के बीच सत्य निहित है। उस युग के छोटे सरीसृप आज के दौर में भी विद्यमान है। पहले स्तनधारी प्राणी श्रू या मंजेरू थे। इनके जीवाश्म जिसे हम फॉसिल्स कहते हैं छोटे आकार के हैं। स्तनधारी प्राणी जरायुज होते हैं तथा उनके अजन्मे शिशु मां के शरीर के अंदर गर्भ में सुरक्षित रहते हैं। स्तनधारी प्राणी छोटे से छोटे खतरों के प्रति सतर्क रहने एवं बचाव करने में बुद्धिमान होते थे। जब सरीसृपों की कमी हुई तब स्तनधारी प्राणियों ने स्थल पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर दक्षिण अमेरिकी स्तनधारी घोड़े से मिलता जुलता हिप्पोपोटामस जिसे हम दरियाई घोड़ा कहते हैं, भालू तथा खरगोश आदि थे। महाद्वीपीय विचलन के कारण जब दक्षिणी एवं उत्तरी अमेरिका एक दूसरे से जुड़े तो इन जीवों ने उत्तर अमेरिका तक विस्तार बनाया और ये उत्तरी अमेरिकी प्राणी जगत पर छा गए। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण जब दक्षिणी अमेरिका उत्तर अमेरिका से मिल गया तो ये जीव उत्तरी जंतुओं के दबाव में आ गए और वे बहुसंख्य हो गए। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ही ऑस्ट्रेलियाई स्तनधारी जैसे कंगारू आदि जीवित रहे, क्योंकि उन्हें दूसरे अन्य स्तनधारी जीवों से कम प्रतियोगिता थी। आधुनिक युग के कुछ स्तनधारी प्राणियों के पूर्वज जो कि हम चित्र में दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ एक बात और ध्यान रखने योग्य है, वो ये कि कुछ स्तनधारी प्राणी पूरी तरह से जल में ही रहते हैं, जैसे कि व्हेल, डॉल्फिन, सील तथा समुद्री गायें। हाथी, घोड़े और कुत्ते के विकास की बातें विकास की विशिष्ट कहानियां हैं। इनके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। और मनुष्य का विकास ये सर्वाधिक सफलता की कहानी कहता है। इनके पास तो भाषा कौशल, आत्मबोध या स्वचेतना भी है। जीवन के स्वरूपों के विकास, भूभौगोलिक मापदंड और उनकी समय तथा भूभौगोलिक समयावधि के जीवन के स्वरूपों के विकास भूभौगोलिक मापदंड और उनकी समय तथा भूभौगोलिक समयावधि एवं उनके संकेतों को स्थल रेखा में हमने स्क्रीन पर आपके लिए दिखाया है।
आइए मानव का उद्भव और विकास की बात करें। लगभग 1500 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथिकस एवं रामापिथिकस नामक नर वानर विद्यमान थे, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन लोगों के शरीर बालों से भरपूर थे तथा गोरिल्ला एवं चिंपांजी जैसे ये चलते थे। रामापिथिकस आधुनिक मनुष्य जैसे थे, जबकि ड्रायोपिथिकस वन मानुष जैसे थे। इथोपिया तथा तंजानिया में कुछ जीवाश्म अस्थियां मानवों जैसी प्राप्त हुई। ये जीवाश्म मानवीय विशेषताएं दर्शाते हैं, जो इस विश्वास को आगे बढ़ाती हैं कि 3-4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नर वानरगण, जिन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं, पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते रहे थे। ये लोग संभवतः ऊंचाई में 4 फुट से बड़े नहीं थे, किंतु वे खड़े होकर सीधे चलते थे। लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेसिन आदि मानव संभवतः पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में रहता था। साक्ष्य यह प्रकट करते हैं कि वे प्रारंभ में पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे, किंतु प्रारंभ में फलों का ही भोजन करते। खोजी गई अस्थियों में से कुछ अस्थियां बहुत ही भिन्न थी। इस जीव को पहला मानव जैसा प्राणी के रूप में जाना गया और उसे होमो हैबिलिस कहा गया। उसकी दिमागी क्षमता 650 से 800 सीसी के बीच थी। वे संभवतः मांस नहीं खाते थे। 1991 में जावा में खोजे गए जीवाश्म में अगले चरण के बारे में भेद प्रकट किया। यह चरण था होमो इरेक्टस, जो 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क बड़ा था, जो लगभग 900 सीसी का था। होमो इरेक्टस संभवतः मांस खाता था। नियंडरटाल मानव 1400 सीसी आकार वाले मस्तिष्क लिए हुए 1,00,000 से 40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी एवं मध्य एशियाई देशों में रहते थे। वे अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे और अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। होमो सेपियंस अफ्रीका में विकसित हुआ, जिसे हम मानव कहते हैं, और धीरे धीरे महाद्वीपों से पार पहुंचा तथा विभिन्न महाद्वीपों में फैला था। इसके बाद वह भिन्न जातियों में विकसित हुआ। 75,000 से 10,000 वर्ष के दौरान हिम युग में यह आधुनिक युगीन मानव पैदा हुआ। मानव ने कृषि कार्य लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ किया और मानव बस्तियां बनाना शुरू हुई। बाकी जो कुछ हुआ वह मानव इतिहास या वृद्धि का भाग और सभ्यता की प्रगति का हिस्सा है।